सचिन, गुड मॉर्निंग सचिन, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड एंड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। बजाज फिनसर्व पिछले हफ्ते में भी हमने डिस्कस किया था, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट डिस्प्ले हुआ है। डेली चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है एंड प्लस अपने प्रीवियस मंथ के स्विंग हाई को भी इसने निकाला है। इसका जो वीकली आरएसआई है वहां पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो आई थिंक जो मोमेंटम दिखना चाहिए मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर हफ्ते में वो एग्जिबिट होगा। सो 1720 एंड 1770 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बढ़ाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग के लिहाज से 1666 के आसपास लगाना है एंड खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। ओके, बजाज फिनसर्व ये है आज का प्रेफर्ड पिक। ए सचिन, आजकल साइकिल ही चला रहे हैं, बिल्कुल कोई अपडेट ही नहीं है। काफी छोटे थोड़ा सर्किट्स कर रहा हूं मैं, कुछ लंबे रूट्स नहीं किए अभी। अच्छा, इसीलिए शेयर नहीं कर रहे हैं। Yes. पुणे से असल में लोनावली चढ़ाई जाती है ना, इसलिए सचिन अवॉइड कर रहे हैं। मुंबई से तो निकल लेते थे। अच्छा सतपुते साहब ने लास्ट वीक बजाज ट्विंस रडार पे रखे थे, सचिन ने बजाज फिनसर्व आज चुना है। वैसे भी सतपुते साहब, आज मंडे के लिए फ्रेश पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नज़र जो है वो मेरी टाइटन पे है। मेरे हिसाब से टाइटन का जो स्ट्रक्चर है बेहतरीन है, और जिस तरह से स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, मेरा इसका जो टारगेट होगा वो 3900 का होगा। हालांकि इंटरमीडिएट एक रेजिस्टेंस है, यानी पहला टारगेट होगा 3840 का, 3840 और 3900, इस दो टारगेट के लिए टाइटन बाय करे। टाइटन एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे खड़ा है, वो है 3740 का। सो हम 3720 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग करेंगे टाइटन। ओके, लॉन्ग करेंगे टाइटन को। यहाँ पर न्यूज़ भी है। अब एक फंडा कॉल ले लेते हैं। मयूरेश जोशी जुड़ गए हमारे साथ। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। मॉर्निंग मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो इंफ्रा की जो एक प्रॉक्सी स्टोरी होती है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर इंडिया, और इसको मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स इंडिया इज समथिंग दैट यू आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। दो तीन वजह। एक, अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ रीजनेबल रही है, बट जो एबिट परफॉर्मेंस रहा है या जो पीबीटी परफॉर्मेंस रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे मार्जिन के जो ऑर्डर्स थे उसके वजह से आई थिंक क्लियरली प्ले आउट हो रहा है। और अगर आप 9 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ हैज बीन रीजनेबल, बट जो मार्जिन परफॉर्मेंस है ये सिग्निफिकेंटली बेटर रहा है। केस इन पॉइंट, टर्नकी के जो रेवेन्यूज हैं वो फ्लैटिश रहे बट मार्जिन हैव प्रॉब्ली गॉन मच हायर। कंसल्टेंसी जो एक मेजर पोर्शन है, लगभग 57-60% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का भी, और जो ऑर्डर बुक है उसका भी, जो ऑर्डर बुक लगभग 8000 करोड़ के आसपास है, दैट इज अराउंड 58-60% ऑफ कंसल्टेंसी, या मार्जिन 20-22% के आसपास रहते हैं, बट टर्नकी के मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने मिला है। बहुत ज़्यादा लेवरेज बैलेंस शीट पे है नहीं, और रेवेन्यू मिक्स शायद आगे जाते हुए मेंटेन करेंगे बिकॉज ऑफ द ऑर्डर मिक्स दैट दे प्रोबेबली गॉट। तो हमारे अनुमान में आई थिंक जो एक वॉल्यूम ग्रोथ है या रेवेन्यू ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स अक्रॉस दीज टू सेगमेंट्स काफ़ी स्टेबल रहनी चाहिए। मार्जिन परफॉर्मेंस शुड शो स्टेडी इंप्रूवमेंट इज वेल। जो एक कंसल्टेंसी बिजनेस का डोमेस्टिक और ओवरसीज का एक जो एक मिक्स है वो भी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और हमें लगता है आई थिंक मोर एंड मोर ऑर्डर्स विल कम देयर वे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ऑब्वियसली आई थिंक ये जो एक तिमाही है इसमें थोड़ी इलेक्शंस के वजह से लैग हो सकती है, बट पोस्ट इलेक्शंस अच्छे खासे ऑर्डर्स विद बेटर मार्जिन शुड कार्ट कमिंग थ्रू। डिविडेंड यील्ड भी 7% के आसपास है। EPS, RS rating, strong institution holding, and your cancelling के parameters देखते हैं, ये सारे ये stock में present है। तो यहाँ से हम एक momentum शायद ये stock में देख रहे हैं 14-15% का, with a stop loss placed at 205. Clear disclaimer, ये stock मेरे personal holding में नहीं है, research note द्वारा clients को दिया गया है, clients के पास इसकी holding हो सकती है। Interesting. Engineers India Limited, infra की एक बढ़िया सी proxy story जो मयूरेश चुनकर लाए। क्विकली रैप अप कर दूं, आज के सारे टॉप कॉल्स का हर्षदा के पास चलेंगे, सारे स्टॉक्स इन न्यूज जान लें। गाबा सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आया। फ्राइडे को बार बढ़िया बना है इसमें। 2475 का स्टॉप है, 2550 2600 के लक्ष्य। रजदा जी कह रही हैं मुथूत फाइनेंस खरीद लीजिए, 1620 का स्टॉप लगाइए, 1660 के लक्ष्य। मानस को एसबीआई कार्ड पसंद आ रहा है, कैश के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। 719 का स्टॉप,
750 के लक्ष्य, चाहे तो 730 का कॉल एसबीआई कार्ड का खरीद लीजिए। सचिन जा रहे हैं बजाज फिनसर्व के साथ, पसंद आ रहा है, कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट है, 1660 का स्टॉप लॉस है, 1720 1770 के टारगेट। सतपुते साहब की नजर टाइटन पर है, टाइटन को बाय करिए, 3720 का स्टॉप लगाइए, 3840 3900 के लक्ष्य हैं। भाभी जी की भी नजर टाइटन पर है और वो कह रही है टाइटन का बाय करिए, ध्यान रखिए। सतपुते साहब, मयूरेश जी कह रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया बढ़िया इंफ्रा की प्रॉक्सी स्टोरी, इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करिए, पोजिशनली बढ़िया रिटर्न्स कमाने का दमखम।